हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। जय शर्मा, मस्त सुबह हो गई है और दिन निकली आ गई है और बिल्कुल बादल नहीं है और बिल्कुल पवन भी नहीं है। बारिश का मौसम है तो अभी तो गर्मी पड़ने वाली है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तभी जाकर बारिश होती है। और मुझे नाश्ता बाकी है तो डायरेक्ट चलते हैं किचन में नाश्ता करने के लिए। और मुझे लगता है आई थिंक सब लोगों ने नाश्ता कर लिया, मैं अकेली बची हूँ। जय शर्मा मम्मी, जय स्वामीनारायण। दूध लेवा गया था? हाँ, दूध ले गई थी। नाश्ता कर ली कर ली तो रुपया नाश्ता कर ली तो बधाई कर ली तो विशाल में बधाई कर ली तो हूँ नाश्ता करो चेयर मगड़े मैंने विशाल में रोट लेने देरी खा दी हूँ तब तो पाई थी प्लान सा खा दे हूँ। अच्छा, मैंने सरस नाश्ता कर ली थी। तो चलिए, मेरा नाश्ता को पता ही होगा क्या है हो रहा। आज मैंने मग के साथ चने भी मैंने डाले थे भिगोने के लिए, तो अभी चने भी साथ में है मग के साथ, तो आज मैं चना और मग खाने वाली हूँ। तो चलो खा ही लेते हैं अब नाश्ता, क्योंकि ऑलरेडी कल शाम को मैंने वेला खा लिया था तो अभी तो भूख लग गई है मुझे। तो नाश्ता कर लेते उसके बाद काम स्टार्ट कर लिया। और आज विशाल जाने वाला है चलाला, थोड़ा बहुत वहाँ पे काम है इसलिए वो बोलता है कि दोपहर के खाने के टाइम में आ जाऊँगा वापस, तो देखते हैं कब आने वाला है। उसको भी मिल लेंगे और पापा विशाल दोनों थोड़े बिजी है काम में, तो पहले मैं नाश्ता कर लेती बाद में उसको मिलेंगे। और यहाँ पापा भी आ गए। पापा जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण। थी गया नाश्ता? आज नाश्ता पड़ थी गया मस्त नाश्ता करो सवा सवा थेपला मरचा चान गंदड़ी पर आधार रे बदे खाना वाला। हम वाड़ी जाऊं વાળે જાવ છો? વરસાદ તૈયારી કરે છે સોમાહાને? હા, આપણે કઈ તૈયારી કરવી છે ને? હા, બિયારણ વાવવાનું હોય બિયારણ નક્કી કર્યું કે હું વાવું છે સિંગવાન ગાતરી છે સિંગવાન ને છ છ વીઘા ઓકે વોળા ખાવા થાય ને? હા, વોળા લાગે વોળા વગર ના રહી જાવ આપણે બસ એ તો એટલે કીધું સારું એમાં છે ને હશે કોળે ખાવા બે કામ કપાસ તો કઈ થતો ને ખોટો કપાસ ના એ નવે નવું સેલ થાય છે ભવાઈ ને ના એમ જ હોય સારું હાલો જય સ્વામી જય સ્વામી જય હે મમ્મી બોલો આજ છે દિવસ છે આજે ભગવાન સ્વામિનારાયણ ધામ માં ગયા ને દિવસ છે ઓહો મહારાજ 1886 જેઠ સુદ દસમ ને મંગળવારે બપોરે મધ્યાહન સમયે પોતાના ધામ માં સીધાવા છે આજે ઈ દિવસ છે દસમ એટલે આજે સવાર થી 7 વાગ્યા અને સાંજે 7 વાગ્યા સુધી અખંડ ધૂન છે એટલે ભગવાન ધામ માં ગયા નિમિત્તે ધૂન રાખેલી છે। અચ્છા, ત્યારે સંતો ને ભક્તો કેટલા રોયા હતા કા ભગવાન ધામ માં ગયા ત્યારે? ત્યારે બહુ બધા આક્રમ કર્યું હતું ભગવાન। 49 વર્ષ 2 માસ અને 1 દિવસ આ પૃથ્વી ને ઉપર રહ્યા હતા, પછી પોતાના ધામ માં સ્વીધાયા એ દિવસ આજે છે। અચ્છા, આજે આમ ખુશી નો દિવસ ગણાય ને આમ શોક નો દિવસ ગણાય, ભગવાન ધામ માં ગયા એટલે શોક તો થાય બધા, હા થાય એટલે એ દિવસ છે આજે। અચ્છા, આજે ધૂન છે તો આજે બપોરે 1 વાગે અમારે જવાનું છે ધૂન માં એટલે કાલે બેને સભા માં કીધું બધા ધૂન માં ફરજિયાત આવવાનું છે। જય સ્વામિનારાયણ, જય સ્વામિનારાયણ। તો કામ કરશું આપડે? હાલો, रेडी हो गया है नाश्ता बास्ता करके नहीं शु? चला जाना है आज काम है ना थोड़ा। ओके, दोपहर खाना यहाँ पे ही है, यहाँ पे खाना खाओगे? ओके, तब तक तू आ जाएगा घर पे? अभी 2 घंटे में आ जाऊंगा। ओह क्या बात है, एक्सप्रेस गाड़ी जा रही है ना। चलो ओके, बाय बाय। चले फ्रेंड, मैं गई थी मठ लेने के लिए क्योंकि मठ घर पे फिनिश हो गए थे, क्योंकि घर पे मठ खाते ही नहीं, हर रोज तो मग ही खाते हैं और चना भी खाते हैं, इसलिए मग और चना घर पे ही होते हैं। तो मठ लेकर मैं यहाँ पे आ गई हूँ और मैंने साफ भी कर लिया, तो एक मुट्ठी से कम थोड़ा यहाँ पे मैंने मठ डाल दिए है, उसके साथ मग और चना भी डालूंगी, तीनों साथ में भिगोने के लिए रख दूंगी रात को और सवेरे सुबह खाऊंगी मैं। तो अभी तो मैंने मठ डाला है, उसमें मग और चना डाल देती हूँ और उसमें पानी ऐड कर दूंगी, और बाद में मम्मी का कितन भी लेना बाकी है तो मम्मी का कितन ले लेंगे। 10:30 बजे है और मैं जा रही हूँ थोड़ी बहुत सब्जी लेने के लिए, और विशाल अभी तक चला रहा है और आके उसको कॉल करना है, वहाँ पे खाकर आने वाला है कि यहाँ पे खाने वाला है। वो बोल रहा था कि घर पे आकर ही खाऊंगा, तो चलो आकर देखते है और सब्जी लेकर आती हूँ। और मम्मी अभी सो रहे है क्योंकि उसको बहुत ऊंघ आ रही है और 1 बजे उसको जाना है वापस धुन में, इसलिए बोल रहे कि अभी आधा घंटा में सो ले। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, चलो तब तक मैं सब्जी लेकर आ जाती हूँ और बाद में आकर खाना बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं सब्जी लेकर आ गई और यहाँ पे मैंने होश भी कर ली है, भिंडी है और मर्चा मर्ची अदरक और काकड़ी कैप्सिकम है, गाजर है और टमाटर है। और विशाल को कुछ नहीं, कुछ नया खाना होगा तो कुछ नया बनाएंगे,
चलो पहले उसको कॉल कर लेते हो, आज संडे है तो आई थिंक हम प्लान कर रहे हैं बाहर जाने का, तो पॉसिबल होगा तो बाहर जाएंगे, तो रेसिपी आज नहीं दे पाऊंगी और घर पे रहेंगे तो कुछ ना कुछ बनाएंगे टाइम मिलेगा तो। चलिए और मम्मी आ गए किचन में और मम्मी खा रहे हैं। मम्मी आप क्या खा रहे हैं? मैसू। मैसू बहुत अच्छा है नहीं? स्वाद में बहुत मस्त है, बहुत मस्त है, थोड़ा करियो हो। हाँ मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है पर मैं खा नहीं रही क्योंकि स्वीट है ना, तो मैंने अवॉइड किया है, स्वीट नहीं खाना है, बहुत ज्यादा कंट्रोल करो क्योंकि मेरा फेवरेट है स्वीट, मुझे स्वीट बहुत अच्छा लगता है, फिर भी मैं नहीं खा रही हूँ। कभी कभी बहुत ज्यादा मन होता है इतना छोटा टुकड़ा लेकर खा लेती हूँ, मुझे लगता है कि मैंने खा लिया, ऐसा करते हो नहीं मम्मी? हाँ। और सब लोग डेपली अपने डेपले उलाते हैं सब लोग दिन भर में, आप साक्षण बनाना पपाई घरे आई गया जो मारा જમીન આવે કે જમીન બનાવો જ નવું, પણ જમીન બિહાટું નવું બનાવ્યું બધા હોય ને નવું કઈક બનાવી બધા ખાઈ ને મેં तो यहाँ पे मम्मी ने रोटला बनाकर रेडी कर लिया है, तीसरा रोटला मम्मी के हाथ में है। नहीं मम्मी बने क्या रोटला? बन गया। और यहाँ पे पक रहा है एक, और यहाँ पे एक पक गया है, और यहाँ पे मेरी सब्जी पक रही है गलखा की, और इसमें थोड़ी देर पकाना है, उसके बाद सारे मसाले उसमें डाल देना है। तो पापा भी आ गए हैं तो बाद में पापा का थाल रेडी करेंगे। तो फाइनली यहाँ पे भगवान का थाल मैंने रेडी कर दिया है, रोटला सब्जी काकड़ी है और गोल केले का अचार है और ठंडी ठंडी छाछ है। तो चले भगवान को थाल कर आती हूँ और सब लोग खाने के बैठ जाएंगे, और एक बजे मम्मी को जाना है मुझे छोड़ने के लिए मंदिर पे, क्योंकि आज भगवान धाम में गए ना, उसके पीछे अखंड धुन रखी हुई है, तो मम्मी बोल रहे कि मुझे वहाँ पे जाना है, तो एक बजे मम्मी को छोड़ने जाना है, तो 12 बज गए तो फटाफट खा लेते और काम करके फ्री हो जाते, उसके बाद मम्मी को छोड़ने के लिए मैं जाऊंगी। तो यहाँ पे 1:05 हो गए है और यहाँ पे बारिश का मौसम हो गया है, ब्लैक ब्लैक बादल हो गए है, मम्मी को जाना है सभा में, तो मैं जा रही हूँ उसको छोड़ने के लिए। कितने बादल ब्लैक ब्लैक हो गए और पवन बिल्कुल नहीं है, मम्मी रेडी हो गई सभा में जाने के लिए। नहीं मम्मी हेलो मुखी जा तुम ना, जय स्वामी आ रहे सर। अभी तो 4 बजे है और बहुत अंधेरा हो गया है और मैं अभी थकी हुई हूँ, आज पता ही हूँ नहीं आ रही थी, और मम्मी गए तब तो अंधेरा अंधेरा है, और एक बार बारिश का घर रुक गई है और पापा विशाल दोनों टेरेस पर है, विशाल भी चल रहे थे वापस आ गया है, तो चलो ऊपर चलते वहाँ का नज़ारा दिखाते और पापा विशाल और पापा को मिल लेते हैं। तो अब मैं टेरेस पर पहुँच गई हूँ और जैसे मौसम हो गया है एकदम चारों ओर अंधेरा अंधेरा हो गया है, तो चलो मैं आपको एक नज़ारा दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे एकदम अंधेरा छा गया है चारों ओर और बहुत गर्मी भी हो रही है, ऐसा लगता है कि अभी बारिश टूट पड़ने वाली है, इतना अंधेरा हो गया, इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पापा भी बैठ गए, पापा जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। मुझे लगा जैसे दर्शक नहीं आवे, आवशे ने अंधारू बहु छे ने, समय होय એટલે આવે જ ને, સમય માણસ કામ ચૂકી જાય છે, સમય ચૂકી જાય છે, આઈ વાત સાચી, પણ ઋતુ એનો સમય ચૂકતો નથી, હા ઋતુ ને ટાઈમે એના સમયે ઋતુ આવી જ જાય છે, એનું કામ ટાઈમે ટાઈમે કરે, પણ ઋતુ એનો સમય ચૂકતી નથી, પણ મસ્ત સુ વિચાર કીધો, એ વાત સાચી, માણસ ચૂકી જાય પણ એ કુદરતી જે બધી વસ્તુ હોય ને એનો સમય ચૂકતો, હા એ નો ચૂકે, એનો ટાઈમે ટાઈમે ઉના ગરમી થઈ જાય, વરસાદ પડી જાય, ઠંડી ઠંડી પડી જાય, હવાના સૂર્ય ઉગી જાય એ ટાઈમે હાથ મે જાય, ચંદ્રમા ઉગે એ ટાઈમે હાથ મે જાય, કારણ કે નેજ હવનો કર્મ કાર્યમાં પ્રવૃત્તિમાં ચાલુ છે, સરસ સરસ એકદમ માણસની પ્રવૃત્તિ ફરે, હા બાકી ટોટલ એની પ્રવૃત્તિ એક ગોખરવાળા લીલિયા પછી જાત્રોડા ની બાજુ બહુ વરસાદ પડ્યો, લગભગ 15-20 ગામમાં વરસાદ સારો પડી ગયો, એવું છે ને, વાવણી વાવણી લાયક વરસાદ થઈ ગયો છે, સરસ વરસાદ સારો થઈ ગયો, ગોખરવા બાબા કોણ રે તમારે? મારા મામા, બીજું કોણ રે? નાના ગોખરવા અમાર બેન, હા મોટા ગોખરવા અમારા મામા, હા બોરી માં છે મામાન ઘેરે, હા એની વાત જ જવા દે, આપણને કોઈ આંબે નહીં, હું વાત છે સેમાં ખાવામાં કે દોડવામાં? બધી રીતે દોડવામાં જતા છે, અમુદા રમતા ને, હા તો ત્યાં તો લાંબા લાંબા ડેલા હોય, એમાં 10-15 જણા રહેતા હોય, શું વાત છે, ગાડા હોય અંદર સોડ્યા હોય,
આકડી ગલી માંથી બીજા ઘેરા પાછું નીકળવાનું હોય ને ત્યાં પાછું મોટું ફળી હોય ગલેરી માં હાલો ને લાગે આ ગલેરી માં ક્યાં આવ્યા ગલેરી માં થોડું તમે હાલો ને પાછું મોટું ફળી આવે પાછી ત્યાં બીજી ગલેરી માં જાય તો પાછી ત્યાંથી મોટું ફળી આવે એટલે એમાં આમ બધા બહુ રમતા આવે પેલા પપ્પા દૂધ જયારે હારા હતા ને અમારા મામા ને શાશર પાસ પાસ ભેહું રાખતા તો આપડે ભેહું રાખતા ત્યાં ગેંગટિયા જતા આવવાના હવે ખાલી દાંત કરવાના ગેંગટિયા રહ્યા સાચી વાત ખાલે ખાલે સાચી વાત છે બરાબર ભરેલા ગેંગટિયા હતા ઓરમાં એટલું બધું આવવાના આવડો લાંબ ગળનો ગાંગડો આવે ને માખણ નો પીંડો હોય એ બધું ખાધું પેલા એટલે જબ વાળી નું કામ થાય ને નકર ન થાય ને એ વસ્તુ યાદ આવે નજરે તરે આ વસ્તુ ખાધી પેલા તો બધું ચોખ્ખું સરસ મળતું હવે તો કઈ મળે નહીં એવું કામ કરું પછી જ ખાવાનું થાય ને કામ કરે તો ખાવાનું મળે સારું બાકી કામ ન કરું પછી બહાર ખાવા મળે કા પછી નકલી ખાવા મળે સારું હાલો જય સ્વામિનારાયણ तो चलिए अभी तो 5 बजे है और पापा मंदिर पे गए हैं और सर अपने काम के लिए बाहर गया है तो मैं अकेली हूँ और मैंने आधा घंटा वर्कआउट कर लिया तो शरीर एकदम हल्का फुल्का लग रहा है और अब मैं जा रही हूँ टेरेस पर वॉक करने के लिए क्योंकि नीचे तो अकेले मैं क्या करूँ बोर हो जाऊँगी और गर्मी बहुत ज़्यादा है नीचे और ऊपर मुझसे ठंडा ठंडा पवन चल रहा है और कुछ रेसिपी देनी थी मगर मम्मी तो 7 बजे मंदिर से वापस आएंगे तो पॉसिबल नहीं होगा तो कल दोपहर के कुछ ना कुछ नए रेसिपी के साथ मिलेंगे तो चलिए अब मैं चलती हूँ वॉक करने के लिए और नाश्ता मैंने थोड़ा बहुत कर लिया है तो यहाँ पे मम्मी आ गए हैं मुझे लगा मम्मी 7 बजे आने वाले हैं तो मम्मी तो वेला आ गए नहीं मम्मी वेला भी है 5:30 बज गए और हर रोज को सबका मन का ही खाना बनता है आज मुझे मन हुआ वो खाना बनाने वाले है और मुझे खाना है गप गोला क्योंकि आज मम्मी टाइम पे आ गए हैं तो मिलकर बनाएंगे गप गोला सूजी का बनाते हैं ना वो और बारिश भी बाहर शुरू है तो अच्छा लगता है कुछ गर्मा गर्म खाए तड़ फ्राई करा हुआ तो अभी बारिश भी शुरू है नहीं मम्मी ठंडे में गरम वस्तु खावा मजा आवे ऊपर केप्सिकम ने गाजर ने बधुं लाव्युं छुं धाणा ने मरचा ने बधुं लीलू मस्त लाव्युं छुं तो बनाई खाइए ने एन्जॉय करिए तो चलिए बनाते हैं आपको दिखाती जाऊंगी किस तरह से बनाने वाले बने रहें तक मेरे साथ तो चलिए आप सूजी ले लिया उसके ऊपर खट्टी खट्टी छाछ डाल रहे क्योंकि छाछ डालते हैं तो मस्त एकदम हमारा गप गोला ना मस्त बनता है खट्टा यस और यहाँ पे मैंने वेजिटेबल भी ले ली है आलू है और गाजर है कैप्सिकम है मरचा अदरक और लेमन सब कुछ ले लिया वेजिटेबल उसमें डालने वाली हूँ इसमें जब तक रवा भीगे तब तक मैं यहाँ सारी वेजिटेबल कटिंग कर लेती हूँ तो 5:30 बजे फिर भी मैंने अभी बनाना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे टाइम पे खाना था इसलिए क्योंकि लेट खाते हैं ना तो पचता नहीं हमारा खाना इसलिए मैंने बोला कि 7 बजे तो खा ही लेना है तो अभी से मैंने स्टार्ट कर दिया है तो चलो बनाना शुरू कर देते हैं तो यहाँ मैंने सारा वेजिटेबल कटिंग करके रेडी कर लिया कैप्सिकम है और मर्चा अदरक और टमाटर और आलू है और गाजर है तो सब कुछ मैंने कटिंग करके और खमण को रेडी कर लिया और यहाँ पे हमारे सूजी भी अच्छी तरह से भीग गई है आप देख सकते हो तो चलो सारे वेजिटेबल उसमें डाल देते हैं और बाद में उसका तड़का लगाना है मुझे और यहाँ पे देख सकते हो कितनी बारिश हो रही है यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे सारे वेजिटेबल इसमें डाल दिया है सूजी में तो अच्छी तरह से मम्मी मस्त मिला रहे वेजिटेबल से ना बताया मस्त लागे ચોમાસા વધારે મજા આવે ખાવાનું કે તળેલું મજા આવે ખાવાનું મન થાય ગરમ ગરમ ખાવાનું ઠંડુ હોય એટલે ગરમ ખાવાનું મને વઘાર કરી લઈએ ઉડદ કી દાળ ઓર રાઈ ડાળ દિયા હૈ ઓર ઉડદ કી દાળ એકદમ બ્રાઉન કલર કી પહોંચે તબ તક ઉસકો જો રખના હૈ તેલ મેં હી ઓર યહાં પે મેને આપને કઢી પત્તે હૈ તો ઉસમે ડાળ કો બેટર કે ઉપર ડાળ દેના વઘાર કો તો મેને યહાં પે ગપ ગોલા બનાના શરૂ કર દિયા હૈ और मस्त मैंने तड़का भी लगा दिया है कड़ी पत्ते और राई और उड़द की दाल और थोड़ी सी हल्दी भी डाली थी इसमें इसलिए थोड़ा बहुत येलो कलर दिख रहा है तो यहाँ पे पक जाए उसके बाद भगवान को थाल लगाएंगे तो यहाँ पे मैंने भगवान का थाल रेडी कर लिया है गर्मा गर्म गप गोला है और
छाछ है तो थाड़ा कर आती हूँ। और यहाँ पे मम्मी पापा बैठ गए हैं तो बाद में वो खाने के लिए बैठ जाएंगे। यहाँ पे पापा और मम्मी दोनों बैठ गए, गर्मा गर्म गब्बोला खा रहे हैं। कैसा लगा? मस्त है ना, मजा आ रहा है। हाँ, हमने हमने बरसात में मजा गर्म गर्म खावाने ફ્રાય કરી રહી હું, ચલો મેં મારા કામ કન્ટિન્યુ કરતી હું। તો યહાં પે મારા વિશ્વ આ ગયા હે, કામ કે ફ્રી હો ગયા થા, તો દેખીએ કોઈ કોઈ ભી અભી તક કિસી ને ગબ ગોલા ઉપર ચીઝ નહીં ડાલા હોગા। ये हमारे भैया है ना, वो बोल रहे चीज डालना है गब गोला ऊपर। ट्राई करते हैं कि कैसा लगता है। देखते हैं। यस, यहाँ पे चीज वाला गब गोला है। गरम गरम से ना। अभी तो गर्मा गर्म है, ये अभी उतार आई है और मैंने भी खाना खा लिया है। और यहाँ पे लास्ट खाना आया, वो खाए हो रहा है। मस्त लगे મસ્ત લાગે, મસ્ત લાગે। વરસાદ આવ્યો, ઠંડુ વાતાવરણ થઈ ગયું ને, મસ્ત લાગે છે। એટલે બનાવ્યો તું નાટ પાડીને ગયો, મેં તને પૂછ્યું તું। હા, મેં ના પાડી તે કે તમારે રોજ ખાવા, મેં તો ગરમી ના નથી ખાવા જવા, મને બહુ મન થઈ ગયું એટલે મેં બનાવી આલો। મેં વરસાદ આવી ગયો ને આજે એટલે મસ્ત। તો ચાલે ફ્રેન્ડ, મેં આ ગયું ટેરેસ પર ઓર સબને મસ્ત ખાના ખા લ્યા, ગરમા ગરમ ગબગોલા ઓર સબ વેજીટેબલ ડાલા સાથે બહુ અચ્છા બના થા। ઓર મેં ભી ખા લ્યા હે, ઓર મેં આ ગયું હોક કરને કે લે ટેરેસ ઉપર, અભી મેરે પાસ ટાઈમ હે ઇસલિયે। तो चलिए वीडियो का मैं एंड करती हूँ। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड बाय बाय।